दिल्ली चुनाव में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब पार्टियों के बीच वोटरों को खींचने का खेल शुरू हो गया है। एक तरफ केजरीवाल सरकार काम पर वोट मांग रही है तो दूसरी तरफ से खबर यह है कि बीजेपी बिजली और पानी 5 गुना ज्यादा सस्ती देने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी दिल्ली में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 5 गुना सस्ते बिजली पानी का वादा कर सकती है। सूत्रों से खबर ये भी है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में केजरीवाल सरकार की तरफ से दिल्ली में पहुंचाए गए फायदों को 5 गुना करने का वायदा कर सकती है। इसमें बिजली और मुफ्त पानी के अलावा 7 और सुविधाओं का दायरा बढ़ाने का वायदा बीजेपी कर सकती है जो सीधे आम आदमी से जुड़े हों। इस मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच ट्विटर पर ही जंग छिड़ गई। पहले मनोज तिवारी ने ट्वीट किया, केजरीवाल जी आप अपने 5 साल की सरकार में जो भी देने का क्लेम कर सकते हैं करें, उसका कम से कम 5 गुना बीजेपी देगी सरकार में आने पर फरवरी से ही। आप सीधे ये बताएं कि दिल्ली की जनता को क्या दिया 5 सालों में टोटल फायदा प्रति परिवार। ट्विटर पर मनोज तिवारी के ट्वीट के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करते हुए कहा, हमसे 5 गुना सब्सिडी देंगे, मतलब 200 यूनिट की बजाय 1000 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 20000 लीटर की बजाय 1 लाख लीटर पानी फ्री देंगे। ऐसे वादों से आप जनता का मजाक बना रहे हैं। दिल्ली चुनाव के पहले किसी भी एक बीजेपी शासित राज्य में लागू तो कीजिए। मनोज तिवारी और केजरीवाल की सियासी लड़ाई के साथ ही दिल्ली का दंगल और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि मनोज तिवारी ने ट्विटर पर जो मिनिमम 5 गुना देने की बात की उसके बाद कयास जोरों पर है कि अब बीजेपी क्या करने वाली है। मनोज तिवारी के ट्वीट के बाद दिल्ली में 5 गुना फायदा देने की बात हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। ये 5 गुना का गणित समझने के लिए एबीपी न्यूज ने सीधे मनोज तिवारी से बात की। क्या कहा मनोज तिवारी ने, आप खुद सुनिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी हैं हमारे साथ। सर, 5 गुना ज्यादा आपने देने की बात कही है केजरीवाल सरकार जो भी वादा करती है, किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं? देखिए, मैं अस्पष्ट अपनी लाइन पे हूँ और दिल्ली की जनता के लिए मैं दिल्ली की जनता से बोला हूँ, इसमें अरविंद केजरीवाल जी से कुछ जानकारी मांग रहा हूँ। पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी जो भी क्लेम करती है कि मैंने 5 साल में इतना दिया, उसमें प्रति व्यक्ति कितना फायदा दिया उन्होंने, ये वो बताएं। हम अगले 5 साल में उससे 5 गुना ज़्यादा दे करके रहे, मिनिमम 5 गुना, ये तो 5 गुना से भी कई जगह ज़्यादा होगा, मिनिमम 5 गुना बेनिफिट दे के रहेंगे। केजरीवाल सीधे पूछ रहे हैं कि क्या 1000 यूनिट आप बिजली फ्री देंगे, 1 लाख लीटर पानी फ्री देंगे? मुझे लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल जी की पढ़ाई लिखाई कोई बहुत ही उल्टा पुल्टा स्कूल से हुई है, या तो स्कूल का नाम बदनाम कर रहे हैं। 5 साल वर्सेज 5 साल, बेनिफिट या सब्सिडी, दोनों में उनको अंतर नहीं समझ में आ रहा है। 5 साल में जितना भी अरविंद केजरीवाल जी किए हैं वो हमको बताएं, हम अगले 5 साल में उससे 5 गुना ज़्यादा करके दिखाएंगे, नहीं करके दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, तो हम राजनीति में रहने के अधिकारी नहीं होंगे। आप सब्सिडी और बेनिफिट में अरविंद केजरीवाल जी अंतर समझते हैं, इसलिए वो सब्सिडी में उलझे हैं, मैं बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। बेनिफिट इज बिगर लार्जर एंड इट इज़ फॉर 5 ईयर्स। अरविंद केजरीवाल जी, आप 3 महीने की सब्सिडी नहीं, उस सब्सिडी से 5 साल में होने वाले फायदे की बात करो, उसका 5 गुना नहीं दिया तो मनोज तिवारी राजनीति में दिखेगा नहीं। ये एक मनोज तिवारी का बीजेपी के कार्यकर्ता का वादा है। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सब्सिडी और बेनिफिट का जो गणित है वो दिल्ली की जनता को खुद समझना होगा। कैमरामैन अजय के साथ रवि कांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में चुनाव से पहले वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक ट्वीट किया है जिसमें दिल्ली चुनाव में एक बार फिर आम राष्ट्रवाद के मुद्दे को हवा देती है। कई पत्रकार साथी पूछते हैं, बीजेपी दिल्ली का चुनाव राष्ट्रवाद पर लड़ेगी, आपका क्या कहना है? अरे भैया, किस लैब में बीजेपी का राष्ट्रवाद चेक हुआ?
कैसे पता चला बीजेपी ज्यादा राष्ट्रवादी, हम लोग कम। यह है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का वो ट्वीट जिसने दिल्ली चुनाव में एक बार फिर राष्ट्रवाद बनाम अराजकता के मुद्दे को हवा दे दी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर अराजकता फैलाने का इल्जाम लगाया था और बीजेपी को राष्ट्रवादी पार्टी बताया था। ये लड़ाई क्या है? ये लड़ाई झूठ बनाम सच, इसकी लड़ाई है। सच भारतीय जनता पार्टी बताती रहेगी रोज, और झूठ जो आम आदमी परोसती है, कांग्रेस परोसती है। दूसरा लड़ाई का बिंदु है यह अराजक बनाम राष्ट्रवाद, इसकी लड़ाई है। देश के लिए पूरी सोच और अराजकवादी मैं हूं ऐसा बताकर अराजक के अनेक अनेक काम करते रहना, ये आम आदमी का पार्टी का रूप भी हम बाहर आने के, हमारा मुद्दा विकास रहेगा। पहले मनोज तिवारी और केजरीवाल की जंग और अब संजय सिंह का ये ट्वीट, मतलब साफ है कि दिल्ली की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी चुनाव समिति की लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ये है दिल्ली बीजेपी के चुनाव समिति के सदस्यों की लिस्ट। चुनाव समिति सदस्य की इस लिस्ट में बीजेपी ने 15 लोगों को जगह दी है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी के अलावा राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, राज्यसभा सांसद विजय गोयल, राष्ट्रीय मंत्री आरपी सिंह, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, सांसद रमेश भिधूड़ी, सांसद प्रवेश सिंह वर्मा, मीनाक्षी लेखी, गौतम गंभीर, हंसराज हंस, दिल्ली विधानसभा के नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और पूनम पराशर को भी जगह दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में 8 फरवरी को एक चरण में सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। तो दिल्ली बीजेपी ने चुनाव समिति की लिस्ट जारी कर दी है। 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और उससे पहले सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जो बड़ी लड़ाई मानी जा रही है, मुख्य तौर पर जो बड़ी टक्कर है, वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। और बीजेपी ने चुनाव समिति की जो लिस्ट जारी की है उसमें 15 नामों को जगह मिली है। सबकी निगाहें दिल्ली के दंगल पर टिकी हुई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और बीजेपी और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत लगा रही हैं। जो टक्कर है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है और चुनाव से पहले बीजेपी ने चुनाव समिति की लिस्ट जारी कर दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और लगातार किस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 8 फरवरी को दिल्ली में मतदान है और 22 फरवरी को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। बड़ी टक्कर आप और बीजेपी के बीच है। सत्ताधारी पार्टी है आम आदमी पार्टी और एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए वो पूरी ताकत लगाने जा रही है। वहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए अपनी चुनाव समिति की लिस्ट जारी कर चुकी है। माना यह भी जा रहा है कि जो घोषणा पत्र है बीजेपी का, उसमें कई बड़े वादे बीजेपी कर सकती है। आम आदमी पार्टी से 5 गुना ज्यादा फ्री बिजली और पानी का ऐलान किया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, ने ट्विटर पर केजरीवाल से दिल्ली की जनता को दिए गए फायदों के बारे में पूछा तो उसका जवाब भी आ गया। आइए आपको अब ग्राफिक्स के जरिए हम कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों में क्या कुछ बताया जा गया है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बताया गया है कि केजरीवाल सरकार ने किन चीजों पर कितनी सब्सिडी दी, कितनी सुविधाएं फ्री की है आम आदमी पार्टी ने और इसका फायदा कितने लोगों को हुआ है। आम आदमी पार्टी ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक दिल्ली में हर उपभोक्ता को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है। तो ये आंकड़े जारी किए हैं आम आदमी पार्टी ने ये दिखाने के लिए कि जो सुविधाएं उन्होंने फ्री की हैं वो कितनी फ्री की हैं, कितने लोगों को उसका लाभ मिला है,
201 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 50% सब्सिडी दी जाती है। इस सब्सिडी के बाद करीब 32 लाख उपभोक्ताओं का बिजली का बिल एक भी रुपए नहीं आया और इसके अलावा दिल्ली में हर घर को हर महीने 20,000 लीटर पानी फ्री मिलता है।